ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लिप्सी लिप्सी देशलहरे, बताओ लिप्सी। पुष्पक पुष्पक द रोड रनर, बताओ पुष्पक है ऑनलाइन। यस सर। सर डेटा मैनिपुलेशन में काम आता है एप्लीकेशन लेयर, मतलब उसमें चेंज करना, मतलब हम डाटा जो हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब सेंड कर रहे हैं या दे रहे हैं किसी को, प्रोवाइड कर रहे हैं तो, और सर्विसेज प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन लेयर, जैसे कि कम्युनिकेशन में, फाइल ट्रांसफर में। कम्युनिकेशन में क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? मतलब जस्ट फाइल ट्रांसफर या मैसेज ट्रांसफर में हेल्प करता है, जैसे कि जस्ट मतलब एक एप्लीकेशन में ही वो सेंड होगा, मतलब मेरा व्हाट्सएप से मैं सेंड कर रहा हूँ तो फिर जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ उसके व्हाट्सएप में ही जाएगा, ना कि किसी और एप्लीकेशन में जाएगा। तो ये है। अच्छा, ओके, ठीक है। रसप्रीत रसप्रीत कौर, रितिका रितिका सेन गुप्ता, बताइए। हाँ बताइए। सर वो जो मतलब एप्लीकेशन लेयर होता है वो मेल सर्विस प्रोवाइड करता है, और और फाइल ट्रांसफर करने में वो यूज होता है, अच्छा, और और सर वो मतलब जो क्या बोलते हैं, जो भी यूजर होता है वो क्या बोलते हैं, फाइल एक्सेस करने के लिए भी वो हेल्प करता है। यूजर एक्सेस करता है, मतलब यूजर हेल्प करता है। नहीं सर, यूजर को वो हेल्प करता है फाइल एक्सेस करने में। यूजर को हेल्प करता है। अच्छा, कैसे हेल्प करता है फाइल एक्सेस करने में? सर नहीं पता। नहीं पता। अच्छा ठीक है। शिवांगी शिवांगी मिश्रा, यस सर, शिवांगी है ऑनलाइन। हाँ बताइए, यस सर, फंक्शनैलिटी बताइए एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर मतलब कि किसी अगर हम लोग किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से एक मतलब किसी भी एप्लीकेशन से हम लोग मैसेज अगर सेंड कर रहे हैं तो जो रिसीवर के पास जो मैसेज रिसीव होगा वो उसी वही रिसीव होगा जो सेंडर ने सेंड किया, मीन्स वो चेंज नहीं हो सकता, नहीं होगा, और हो गया तो मीन्स वो नहीं होगा। अच्छा, तो कहाँ पे सेंड कर रहे हैं अपन मैसेज? मतलब एप्लीकेशन लेयर से अपन सेंड कर रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर में क्या होगा, एक्चुअल में होता क्या है उसमें? नहीं पता। ठीक है, तिथि 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 ऑनलाइन। तिथि है ऑनलाइन कि नहीं है? तृप्ति योगेश। हेलो जी सर, योगेश बताओ। एप्लीकेशन लेयर और साई मॉडल का टॉप मोस्ट लेयर है, और इसमें यूजर क्या बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब
सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं यूजर को, और उसके एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल के जरिए मतलब यूजर को हेल्प करता है। अच्छा और कौन सर हम कौन कौन लोग सर्विसेज प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन लेयर? सर प्रोटोकॉल जैसे टेलनेट हो गया सर, एफटीपी हो गया, टीएफटीपी एंड एनटीएफ, एसएमटीपी, नहीं याद है सर मेरे को फिलहाल। ओके ओके ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अभिषेक मौर्य, अभिषेक है ऑनलाइन, ये तो ऑडियो ही कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, शिव नारायण भी ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसा म्यूट बैठने का भी मतलब क्या है यार। ठीक है, और कौन बता पाएगा? आकाश बता पाएगा क्या? नहीं सर, आइडिया नहीं है। आइडिया ही नहीं है, गजब। ठीक है सर, ये विंडोज एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन के लिए नेटवर्क एक्सेस कर जाएगा सर ये? फाइल ट्रांसफर तो करता ही है। एक बार पढ़ूंगा तो आ जाएगा सर। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का कब है एग्जाम? कल है सर। कल है, कल है ना? ठीक है, तो कल यही क्वेश्चन आएगा, पढ़ के रखना, वैसे भी तो देख के लिखते हो। ठीक है, चलो। अच्छा ये बताओ कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या काम करता है? बताओ, कौन बता पाएगा? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ऑलरेडी मैं 3 से 4 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, कौन बता पाएगा? हर्षवर्धन बता पाएगा क्या? हर्ष, हर्ष आवाज आ रही है? अंकिता, अनिकेत, हिमांशी, इंद्र कुमार, इंद्र तो बहुत पहले का अटेंड कर रहा है। ठीक है, रितिका, शिवांगी, तिथि, योगेश, रसप्रीत, रसप्रीत बता पाएगी क्या? कौन बता पाएगा, बताओ जल्दी जल्दी। सर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस में मतलब फैसिलिटी देता है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस पर बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस। सर एक्सचेंज ऑफ मैसेज कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क बिटवीन टू कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस। ठीक है, आगे। इसके अल्टरनेटिव टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नहीं, यूडीपी का वर्किंग क्या है, मतलब करता क्या है वो यूडीपी, मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल करता क्या है, किस टाइप? यूडीपी मतलब सर मैसेज को ना पैकेट्स में डिवाइड करता है और डेटाग्राम्स में, जिसको मतलब डेटाग्राम बोलते हैं, और उसको फिर फॉरवर्ड सेंड करता है डिवाइस के थ्रू मतलब ओवर द नेटवर्क में। अच्छा, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि यूडीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड है या फिर कनेक्शन लेस है? कनेक्शन लेस है सर। कनेक्शन लेस है, क्यों कनेक्शन लेस बोल रहे हैं उसको हम लोग?
उसमें शायद एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है. क्या नहीं मिलता है? एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है. नहीं मिलता है. ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट किस में मिलेगा, कौन से प्रोटोकॉल में मिलेगा? टीसीपी में सर. टीसीपी में मिलेगा. ठीक है, अच्छा, ओके. तो ये दोनों जो प्रोटोकॉल है, टीसीपी और यूडीपी, कौन से लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर. कौन से? ट्रांसपोर्ट लेयर के. ठीक है, ओके. अच्छा ये बताओ कि नेटवर्क लेयर क्या काम करता है? नेटवर्क लेयर की वर्किंग क्या है? क्या काम करता है नेटवर्क लेयर? सर वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है अलग अलग डिवाइसेस में. कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ओके. ठीक है, कैसे कनेक्शन प्रोवाइड करता है? सर अगर दो सिस्टम डाटा एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वो एक तरीके से एक मीडियम देता है नेटवर्क लेयर. अच्छा अच्छा ठीक है, मीडियम देता है. अच्छा एड्रेसिंग कहाँ पे होगी, कौन से लेयर पे होती है एड्रेसिंग? एड्रेसिंग कौन से लेयर पे होती है? नेटवर्क लेयर पे ही होते हैं. कौन से लेयर में? नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर में एड्रेसिंग होती है. कौन कौन से टाइप की एड्रेसिंग होती है, किस किस की एड्रेसिंग होगी उसमें? एक पैकेट है, एक पैकेट जो है डेटा लिंक लेयर से आया हुआ है नेटवर्क लेयर में. ठीक है, उसमें कौन कौन सी एड्रेसिंग होगी? हाँ बताओ कितने टाइप की एड्रेसिंग होती है? सर दो टाइप. कौन कौन सी? आईपी एड्रेस और मैक. आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस. आईपी एड्रेस को बोलते हैं फिजिकल मैक एड्रेस एड्रेसिंग. ठीक है, और मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं? अच्छा फिजिकल एड्रेसिंग क्या होती है, लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होती है? इतनी कहानी बताने के बावजूद भी, एक एक चीज डिटेल में बताने के बावजूद भी नहीं पता रहता यार आप लोग को. दो टाइप की एड्रेसिंग होगी, लॉजिकल एड्रेसिंग और फिजिकल एड्रेसिंग. लॉजिकल एड्रेसिंग जो होती है उसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं. ठीक है, मैक एड्रेस जो होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है. ठीक है, समझ में आया? अच्छा रूटिंग कहाँ पे होगी? रूटिंग, रूटिंग कौन से लेयर पे होती है? नेटवर्क लेयर पे सर. ठीक है, एड्रेसिंग, रूटिंग और पैकेटाइजिंग. ठीक है, तीनों नेटवर्क लेयर पे की जाती है. ठीक है, अच्छा प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है?
प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, फंक्शनालिटी क्या है प्रेजेंटेशन लेयर की? सर प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा को ना एक्सट्रैक्ट करके उसको मैनिपुलेट करते हैं एज पर जैसे हमको जरूरत पड़ आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं ओवर द और उसको ट्रांसमिट करते हैं ओवर द नेटवर्क। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? जैसे मान के चलो व्हाट्सएप में एक मैसेज है, ठीक है, वो मैं नहीं रिसीव करना चाहता, ऐसा हो सकता है क्या? या फिर जो ईमेल है वो रिसीव नहीं करना चाहता मैं, ऐसा हो सकता है? हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते ना किसी भी मैसेज को, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? नाम से ही समझ में आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है वो ट्रांसलेशन करता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करता है, ठीक है, साथ में डेटा कंप्रेशन भी करता है। मतलब ओवरऑल डेटा डिस्प्ले होने के पहले, ठीक है, ओवरऑल डेटा डिस्प्ले होने के पहले का जो टास्क होता है, ठीक है, वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन और कंप्रेशन, ठीक है। अगर डेटा में कोई एनक्रिप्शन मेथड लगा हुआ है, ठीक है, उसको ओरिजिनल मैसेज में वापस से कन्वर्ट करेगा, या फिर हम लोग जब सेंड करेंगे तो उसको एनक्रिप्ट करके वो सेंड करेगा, ठीक है। अगर जो हम लोग डेटा बनाए हैं वो जो रिसीवर एंड है, ठीक है, वहाँ पे अगर डिस्प्ले नहीं होता है तो वो उसके फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा, मीन्स वहाँ पे डेटा का ट्रांसलेशन भी किया जाता है, ठीक है। दोनों का फॉर्मेट सेम होना चाहिए ताकि रिसीवर को कोई परेशानी ना हो उस डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, कंप्रेशन, ठीक है। डेटा बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है। तो हम लोग यूज़र के पर्सपेक्टिव में उसको सोचेंगे कि यूज़र के डेटा कंजम्पशन कम से कम हो, हम लोग वही चाहते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग नेटवर्क को यूज़ करें, हम लोग डेटा कंजम्पशन सबसे कम चाहते हैं कि डेटा जो डेटा कंजम्पशन हो बहुत कम हो, ठीक है। हम लोग भी वैसे ही 1.5 GB वाला नेट यूज़ करते हैं घर पे, 1.5 GB 2 GB पर डे का रहता है, वैसे ही हम लोग को बहुत कम लगता है, ठीक है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि डेटा जो हो कम से कम यूज़ हो, है ना, तभी तो उस नेटवर्क का फ़ायदा है। अगर डेटा कंप्रेशन वहाँ यूज़ ही नहीं किया गया है तो मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग TV देखते हैं आजकल, ठीक है, ऑनलाइन TV आती है, तो ऑनलाइन TV को अगर 10 मिनट चला लोगे तो 500 MB के ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, जो LED TV में चलाता है आजकल, 55 इंच की 4K TV होती है, ठीक है, तो अगर उसमें 4K कंटेंट कोई भी एक्सेस करोगे, ठीक है, 10 मिनट में चलाओगे तो 2 GB के ऊपर चल देता है वो, 10 मिनट में 2 GB ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो TV में हो गया, हार्डवेयर में हो गया, ठीक है, या फिर पूरे नेटवर्क पे डेटा कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू जो भी हमारा डेटा है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है। हम लोग अगर ओरिजिनल फॉर्मेट में ही उसको भेज देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वैसा ही एक्सेस होगा और वहाँ डेटा लॉस बहुत ज़्यादा होगा,
ठीक है, जब भी कोई डेटा एक्सेस किया जाता है तो साथ में अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों होती है। ठीक है, मतलब कोई भी फाइल एक्सेस करने के लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट जाता है, तभी वहाँ से रिप्लाई आता है। तो रिक्वेस्ट सेंड करने में भी डेटा जाता है और वहाँ से रिस्पॉन्स आने में भी डेटा जाता है, दोनों का ऐड किया जाता है इसमें। ठीक है, जो मैं डेटा रेट बताया था, डेटा रेट क्या होता है? ठीक है, जैसे मान के चलो 100 MB/s का मेरे पास कनेक्शन है। ठीक है, 100 को 8 में डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? वही 10 MBPS के आसपास का स्पीड मिलेगा हम लोगों को, 10 या 12, उससे ज़्यादा नहीं, है ना, या फिर ज़्यादा ज़्यादा 20। ठीक है, तो ज़्यादा 20 भी नहीं मिलेगा, मतलब 12.5 के आसपास आएगा। ठीक है, तो उतनी हम लोग को मैक्सिमम स्पीड मिल पाएगी, लेकिन अपलोडिंग स्पीड हमेशा ज़्यादा रहती है। उसको 1/6 में डिवाइड किया जाता है, 1/5 में डिवाइड किया जाता है, वो वैसे ही डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो दोनों का रेट मिला के 100 MBPS होता है। कभी भी कोई भी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जो होगा, 100 MBPS डाउनलोडिंग स्पीड कभी नहीं देगा, वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसकी बैंडविड्थ होती है वो क्या होगी, उसके डेटा रेट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो वहाँ पे डेटा कंप्रेशन टेक्निक का इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग का जो कनेक्शन है, ठीक है, वो प्रॉपर सक्सेसफुली बहुत अच्छे से चलते रहे। ठीक है, जितने भी हम लोग नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो रूटर्स लगे होते हैं, स्विचेस लगे होते हैं, तो उसमें पहले से कंप्रेशन टेक्निक यूज़ किया जाता है, ताकि हम लोग का जब डेटा हमारे कंप्यूटर से निकले और वो स्विच या फिर रूटर से होते